हेलो दोस्तों, तुसुकी गाय मिची बिकुए सिकाई दोउचू के एपिसोड 9 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको एनीमे पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनीमे फ्यूचर में पाने के लिए। और गाय इस वीडियो के नीचे 30 कमेंट्स कर देना क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो तैयार करने के लिए। तो गाइस 30 कमेंट कंप्लीट कर देना। अगर तुम सभी ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो। कहानी की शुरुआत में जो एक्वा की बहन थी वो एक्वा से पूछती है तुमने उनको खत्म कर दिया, तभी जो एक्वा थी वो कह रही होती है मैंने खत्म नहीं किया, मैंने बस उनको देहोश कर दिया है। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं प्रोटेगनिस्ट माकोतो को, जिसको जो मियो थी अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से हील कर रही थी। तभी हम देख पाते हैं जो तोमोए का फ्रैगमेंट था वहाँ पे आता है और कहता है यंग मास्टर आपके लिए जो डिमी प्लेन के जितने भी पीपल है उन्होंने पार्टी रखी है। हम देख पाते हैं प्रोटेगनिस्ट वहाँ पे आ जाता है। तभी जो माकोतो था सभी से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि जो मेरी ट्रेडिंग कंपनी है बाहर के वर्ल्ड में स्टार्ट होने वाली है। तभी जो माकोतो था इसके आगे कुछ कह नहीं पाता, इसकी वजह से बहुत ही एम्बेरेस्ड होता है। तभी जो तुम्हें से कहता है तुम इस सब चीज़ों में बहुत ही अच्छे हो ना तो फिर तुम यहाँ पे संभाल लो, लेकिन जो तुम्हें था कह रहा था यंग मास्टर ये आपका फेस्टिवल है तो फिर आप ही संभालिए। तभी हम देख पाते जो तुम्हें का फ्रेगमेंट था प्रोटेगनिस्ट माकोतो के लिए ड्रिंक लाता है। तभी जो माकोतो था उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखकर कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लिटिल तुम्हें। तभी जो तुम्हें था डांस करते हुए कह रहा होता है यंग मास्टर मैं और मेरा जो क्लोन है पूरी तरह से कनेक्टेड है, इस वजह से जब आपने मेरे क्लोन के ऊपर हैंड रखा तब आपका जो हैंड है वो मैं भी महसूस कर पाया, बहुत ही अच्छा था। तभी हम देख पाए तभी वहाँ पे मियो आ जाती है माकोतो के लिए खाना लेके। तभी माकोतो देखे खुश होने लगता है, कहता है जो इस खाने की खुशबू है बहुत ही अच्छी है। अभी जो मियो थी सुनकर खुश होने लगते कह रही होती अब मेरा चांस है मैं यंग मास्टर को खाना खिला सकती हूँ, तो लेकिन जो माकोतो है उसके पहले जो खाना था खा लेता है। तभी जो मियो थी डिप्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो तुमोए थी वो मियो को लेकर वहाँ जाने लगती है। अभी हम देख पाते हैं माकोतो के पास एक लड़की आती है, कहती है मेरा नाम है अकीना जो एल के ट्राइब से है। तभी जो अकीना है प्रोटेगनिस्ट माकोतो को एक बुक देती है, कहती है यंग मास्टर जैसे कि आपने कहा था मैंने जितने भी हर्ब्स हैं उनका पूरा डिटेल्स इस बुक में रख लिया है, आपको जो भी चाहिए इस बुक में मिल जाएगा। हम देख पाते हैं तभी मैं प्रोटेगनिस्ट उससे पूछता है जो बाकी के एल के क्या उस डेमी प्लेन में सेट हो चुके हैं। तभी जो एकिना थी वो कह रही होती जितने भी एल के है सभी डेमी प्लेन में सेट हो चुके हैं यंग मास्टर, और उन सब में जो हरुना है वो फाइटिंग को सीख रहा है। दूसरी तरफ जो मिनाटो है वो ड्वार्फ के साथ रिसर्च में काम कर रहा है, और मैं स्पेशली जो मियोसामा है उनकी मदद करती हूँ। फिर हम देख पाते हैं वहाँ पे जो ब्लू लिजर्ड था वहाँ पे आते हैं जो अपना नाम बताते हैं मेरा नाम है लीडी। तभी हम देख पाते हैं वो माकोतो के सामने झुक जाता है। तभी जो माकोतो था वो कह रहा होता है जो फॉर्मेलिटीज से बंद करो। तभी लीडी अपने पास्ट के बारे में कहने लगता है जहाँ पे वो तुम्हें के साथ ट्रेनिंग करता था। तभी दूसरी तरफ रात के समय जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो है ड्वार्फ के साथ बैठ के जो पार्टी था उसे देखने लगता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट ड्वार्फ के साथ बातें करने लगता है डेमी प्लेन के डेवलपमेंट के बारे में। तभी जो ड्वार्फ था उसे कहने लगता है यंग मास्टर आप फिक्र मत कीजिए मैं अपने वेपन की मदद से आपको पूरी तरीके से इक्विप कर दूंगा, जिसकी मदद से जो डेमी प्लेन था बहुत ही ताकतवर बनेगा। ये सुनने जिसको आपने हीलिंग मैजिक की मदद से मुझे हील किया था। तभी जो ऑर्क था उसे शुक्रिया अदा करता है और कहता है यंग मास्टर मैं अभी के लिए जो इल्यूजनरी सिटी है वहाँ पे गार्ड दे रहा हूँ। यह सुनकर प्रोटेगनिस्ट माकोतो कह रहा होता है मुझे माफ कर देना मेरी वजह से तुम इल्यूजनरी सिटी को गार्ड कर रहे, लेकिन जो ऑर्क था कह रहा होता है इससे फर्क नहीं पड़ता यंग मास्टर मैं हमेशा आपके लिए कुछ करना चाहता था, मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ यही बड़ी बात है। हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट माकोतो जो पार्टी था सभी के साथ एंजॉय करने लगता है। दूसरी तरफ जो हम मियो और तुम्हें को देख पाते जो एक जगह पे बैठे खाना खा रहे होते, जो मियो थी तुम्हें से कहती है तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुम्हें, तुम मुझे यहाँ पे लेके आ गए यंग मास्टर से बहुत दूर, मैं यंग मास्टर को जो एम्ब्रोशिया फ्लावर था उसके बारे में कहना चाहती थी लेकिन तुमने मुझे कहने नहीं दिया। तभी जो तुम्हें थी वो कहती है मियो अगर तुम्हारे पास एम्ब्रोशिया फ्लावर का पूरा इन्फॉर्मेशन ना हो तो फिर जो इन्फॉर्मेशन है यंग मास्टर को मत देना क्योंकि हम उनके अटेंडेंस है और उनको सही इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। तभी जो तुम्हें थी और मियो थी उन दोनों को जो माकोतो का प्रेजेंस है बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, इस वजह से वो दोनों परेशान होने लगते हैं। दूसरी तरफ माकोतो को देख पाते हैं जो अपने बो की मदद से प्रैक्टिस कर रहा होता है। माकोतो का कह रहा होता है जो मेरा स्ट्रेंथ है मैंने उसे कंट्रोल में ला ही दिया। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे जो मियो थी रोते हुए आती है और माकोतो को पकड़ लेती है, यंग मास्टर आपको कुछ हुआ तो नहीं आप सही तो है ना। तभी जो माकोतो था मियो से पूछता है तुम रोक रहे हो। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे जो तुम्हें थी वो आती है। तभी माकोतो पूछता है कि हमारे ऊपर किसी ने एनिमी ने अटैक किया, लेकिन जो तुम्हें थी वो कहती है बिल्कुल नहीं यंग मास्टर कि आप यहाँ पे बो के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी जो माकोतो था कह रहा होता है मैंने किया था और इसी वजह से जो आपका प्रेजेंस है हमको महसूस नहीं हुआ था। तभी जो माकोतो पूछता है तो फिर किया, तभी वो कहती है कि आपको पता है हम कब किसी का जो कॉन्शियसनेस उसे महसूस नहीं कर पाते जब वो मर जाता है। तभी जो माकोतो कह रहा होता है तुम कहना चाहते हो जो मेरे बो प्रैक्टिस करने
की वजह से जो मेरा कॉन्शियसनेस था वो मिट चुका था, तुम लोग समझ लिए थे मैं मर चुका हूँ। अभी जो तुम्हें थे कहते हैं यंग मास्टर आपके जो कॉन्शियसनेस था उसके मिटने की वजह से जो आपका माना है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, आपको पता नहीं होगा। तभी जो मेरा प्रोटेक्ट माकोतो अपने रिंग को देख कर कहता है जो मेरे रिंग में माना है बहुत तेजी से भर रहा है। तभी जो माकोतो था वो घबराते हुए कह रहा होता है क्या तुम मुझे बता सकते हो जब मेरा माना है कितना होगा। तभी जो तुम्हें थी कहती है यंग मास्टर आपका जो माना है बहुत ही बढ़ चुका है, इसीलिए आपको उसे छुपा के रखना होगा। अगर गॉडेस को पता चल गया तो जो गॉडेस है वो सोचेगी आप इस वर्ल्ड में उसके लिए खतरा है तो फिर आपको जरूर से खत्म कर देगी। तभी जो प्रोटैगनिस्ट था गॉडेस के बारे में सोचने लगता है और प्रोटैगनिस्ट पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तभी हम देख पाते जो मियो थी वो माकोतो को लेकर वहां से चली जाती है। जो तुम्हें थी सोच रही होती है जो यंग मास्टर का माना है कितना बढ़ चुका है, जो गॉडेस थी उसको भी चैलेंज कर रहा है। दूसरी तरफ जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो को हम देख पाते शहर में जो कह रहा होता है जो कल का दिन गुजरा था बहुत ही बेकार गुजरा था। हम देख पाते उसी दिन में जहां जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो था अपने बेड पे सोने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास मियो आती है और कहती है क्या मैं यंग मास्टर में आपके साथ सो सकती हूँ। माकोतो था कहता है तुम दूसरे रूम में जाकर सो सकते हो, मैं यहाँ पे अकेला ही सोऊंगा। तभी जो मियो थी वहाँ पे डिसअपॉइंट होकर चली जाती है। तभी दूसरे रूम में जो तुम्हें थी वो मियो का मजाक उड़ाने लगती है। तभी हम देख पाते इन सब बातों को जो माकोतो था सुन पाता है, तभी उसे रियलाइज होता है जो सिचुएशन था क्या था। दूसरी तरफ प्रेजेंट में हमारे प्रोटैगनिस्ट माकोतो के ऊपर एक बैग फेंका जाता है लेकिन जो माकोतो था उससे बच जाता है। तभी प्रोटैगनिस्ट माकोतो के पास एक डेमी ह्यूमन आता है जो बैग था उसे उठाने लगता है। जो माकोतो था उससे पूछते क्या तुम सही हो। तभी जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो था उस डेमी ह्यूमन के पास जाता है, कहता तुम सही हो। तभी जैसे ही प्रोटैगनिस्ट माकोतो उस डेमी ह्यूमन का चेहरा देखता है तभी उसे महसूस होता है जो इस वर्ल्ड के जितने भी पीपल थे उसे इतना डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं, क्योंकि जो उसका चेहरा था डेमी ह्यूमन का चेहरा था बिल्कुल सेम होता है। दूसरी तरफ हम देख पाते उसके पास तभी एक लड़की आती है, प्रोटैगनिस्ट का हाथ पकड़ लेते हैं, कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने उस डेमी ह्यूमन को भगा दिया, वो डेमी ह्यूमन मेरा पर्स लेकर भागा था। हम देख पाते तभी जो लड़की थी कह रही होती माकोतो से तुम मेरे साथ आना चाहते हो मैं तुमको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगी। तभी जो हम प्रोटैगनिस्ट देख पाते वो कहाँ पे होता है, अभी वहाँ पे अचानक से जो तुम्हें थे और मियो आ जाते हैं और प्रोटैगनिस्ट माकोतो को पकड़ के ले जाने लगते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो तुम्हें थी और जो मियो थी प्रोटैगनिस्ट माकोतो एक रूम में बंद कर देती है और कहती है यंग मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम रहते हुए भी आप किसी दूसरे के पास जा रहे हैं। लेकिन जो माकोतो था उससे कह रहा होता तुम ये बंद करो मुझे कुछ भी नहीं कहना। लेकिन हम देख पाते तभी जो तुम्हें थी और मियो थी प्रोटैगनिस्ट माकोतो के साथ जबरदस्ती करने लगते और हमारे प्रोटैगनिस्ट माकोतो का जो कपड़ा था उसे फाड़ देता है। लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो था अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से वहां से भाग जाता है। तभी जो मियो थी तुम्हें से कह रही होती ये हमने क्या कर दिया, जो यंग मास्टर है हमको देख के डर के भाग गए। तभी दूसरी तरफ जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो था डेमी प्लेन में एक पेड़ के ऊपर टेलीपोर्ट होता है। तभी उसके पास एम्मा आती है और कहती है आई यंग मास्टर आपके जो कपड़े क्यों फटे हुए हैं। लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो कह रहा होता तुम ये बिल्कुल भी मत पूछो और रोने लगता है। दूसरी तरफ अगले दिन में जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो था ड्वार्फ के पास आया होता है अपने इक्विपमेंट लेने के लिए। तभी जो ड्वार्फ था उसे इक्विपमेंट दे देता है तो इस इक्विपमेंट की वजह से जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो का जो माना था बिल्कुल हाइड हो जाता है। तभी हम देख पाते वहाँ पे मियो आती है और प्रोटैगनिस्ट माकोतो से कह रही होती यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पिछली रात जो भी हुआ उसकी वजह से मैं माफी चाहती हूँ। तभी हम देख पाते जो प्रोटैगनिस्ट उसे माफ कर देता है। तभी जो मियो कहती है मुझे आपको और भी कुछ बताना है, जिस फ्लावर को आप चाहते हैं एम्बुलेशर फ्लावर मुझे पता चल गया है वो कहाँ पे है। तभी जो फ्लावर का लोकेशन था वो हम प्रोटैगनिस्ट को बता देती है मियो। तभी हम देख पाते जो माकोतो था उससे पूछता है मियो क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो फ्लावर को लेने के लिए। तभी हम देख पाते जो मियो थी कहते हैं यंग मास्टर मैं जरूर से आना चाहती हूँ। तभी हम देख पाते प्रोटैगनिस्ट माकोतो मियो के साथ चला जाता है फ्लावर को लाने के लिए। तभी जो मियो थी बहुत ही खुश होने लगती है क्योंकि वो माकोतो के साथ बिल्कुल अकेली होती है। तभी हम देख पाते कुछ एडवेंचरर्स माकोतो और मियो का फॉलो करते हुए वहां पे आ जाते हैं, लेकिन जो मियो थी उन लोगों को अपने नेट में बंद करके वहां से चली जाती है। तभी हम देख पाते जो माकोतो और मियो जो एम्बुलेशन का फ्लावर का लोकेशन में पहुंच जाते हैं। तभी जो माकोतो था वो देख पाते वहां पे जितनी भी मिट्टी थी बहुत ही स्लिपरी होती है। तभी वो मियो से बोलता है यहाँ की मिट्टी है बहुत ही स्लिपरी है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरा हैंड पकड़ सकते हो। लेकिन जो मियो था ये सुनने के बाद बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और कहता है यंग मास्टर क्या मैं आपका हैंड सच में पकड़ सकती हूँ। तभी हम देख पाते हैं जो मियो थी उसका हैंड पकड़ कर चलने लगती है और जो मियो थी बहुत ही खुश होने लगती है और आपके मन के अंदर कहने लगती है जो टाइम है यहीं पर रुक जाए। तभी हम देख पाते उन दोनों के सामने जो एक्वा है और उसकी जो बहन है वो आ जाते हैं, उन दोनों को रोक लेते हैं। तभी जो माकोतो था अपना जो हैंड था मियो के हैंड से छुड़ा लेता है, इस वजह से जो मियो था गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा। तभी जो माकोतो था कहने लगता है हम यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हैं, हम यहाँ पे फाइटिंग के लिए नहीं आए हैं। तभी वो अपने पीछे मियो को देख पाता है, जो मियो थी वो कह रही होती है
मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगी। तभी हम देख पा रहे थे वहाँ पे काफी सारे एडवेंचरस आ जाते हैं और कहने लगते आखिरकार हमने जो एम्पोडेशन फ्लावर का लोकेशन उसे ढूंढ लिया है, जल्दी से इन फ्लावर को कलेक्ट करो। दूसरी तरफ जो एक्वा थियो कह रही होती है, मुझे पता था जो ह्यूमन से बहुत ही ग्रीडी है और मुझे पता है कितने बुरे हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो मियो थी कह रही होती है, मैं तुम दोनों खत्म कर दूंगी क्योंकि तुम दोनों की वजह से जो यंग मास्टर का जो टाइम है मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन जो मकोतो था उससे कह रहा होता है मियो प्लीज तुम पहले शांत हो जाओ। लेकिन जो एक्वा की बहन थी अपने आइस एलिमेंटल मैजिक की मदद से उन सभी के ऊपर हमला कर दे रही है, जिसकी वजह से प्रोटेगनिस्ट मकोतो था वो मियो को लेकर भागने लगता है। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पर जितने भी एडवेंचरस थे वो भी भागने लगते हैं। तभी जो प्रोटेगनिस्ट मकोतो था उन एडवेंचरस में से एक लड़की को देख पाता, तभी उसे याद आता है वो लड़की कौन है। तभी जो एक्वा थी अपने फायर एलिमेंटल एरो की मदद से उन सभी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जो लड़की थी वो कह रही होती है मकोतो से क्या तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी हम देख पाते जो मकोतो था अपने शील्ड को एक्टिवेट करता है और उन हमलों से सबको बचा लेता है। लेकिन तभी भी जो मियो थी गुस्से में कही जा रही होती है मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगी। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।